ऐसी और स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तन्मय अग्रवाल। हमारी वीडियो सीरीज स्टोरिस्तान किससे कामयाबी के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मुलाकात करेंगे शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर के चेयरमैन निशांत त्रिपाठी जी से। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्म लेने वाले निशांत त्रिपाठी जी कैसे इस मुकाम तक पहुंचे, ये जानने की कोशिश करेंगे। निशांत त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपसे आपकी ओवरऑल सक्सेस स्टोरी जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के गाँव में जन्म लेने से लेकर राजधानी रायपुर में इतना बड़ा संस्थान चलाने तक का सफर कैसा रहा। जैसा कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के गांव, तो हम लोग एक पटरौना करके गांव है जो उस समय डिस्ट्रिक्ट देवरिया के अंदर आता था, गोरखपुर के पास, वहां पैदाइश हुई। निश्चित ही बहुत ही गरीबी के दिन हुआ करते थे, लेकिन इसी बीच एक छोटी अच्छी चीज ये हुई कि जो हमारे पिताजी के बड़े भाई थे, एक हम लोग का संयुक्त परिवार, आप तो जान रहे हैं कि पुराने जमाने में इसका बड़ा कल्चर हुआ करता था कि संयुक्त परिवार में सब मिलजुल के रहें, एक भाई बहन सब उनके बच्चे। इसी दस्तूर में उनकी जॉब लगी भिलाई स्टील प्लांट में, एज अ भिलाई विद्यालय में मैथ्स के टीचर की उनकी जॉब लगी। तो जब वो जाने लगे तो ये हुआ कि जब चले जाएंगे तो हमारे भाई वाई सब यहाँ रह जाएंगे। तो धीरे धीरे करके उन्होंने सबको बुलाया और हम लोग जब भिलाई में उनको बीएसपी का मकान मिला तो हम लोग पूरा गाँव उठ के भिलाई चला आया। तब मैं था क्लास तीसरी में, बड़े भाई थे क्लास पाँच में, और ऐसे करते करते हम लोग 24 लोग का परिवार बीएसपी के दो रूम के क्वार्टर में, जिसमें कि हम सात भाई और दो बहनें बच्चे होते थे और बाकी सब एडल्ट, मेरे चाचा, मेरी चाची, मेरे माँ, मेरे फादर, मेरे ताऊ, मेरे ताई, मेरे दादा, मेरी दादी, तो ये कुल मिला के हम लोग रहते थे सब साथ में। और यही हम लोग को एक बहुत फ़ायदा दिया कि जो बचपन में हम लोगों ने शेयर करना सीखा, क्योंकि देखिए कोई मेहमान आ जाता था, हम लोग 11 लोग जमीन पे सोते थे, कोई मेहमान रात को 9:30 बजे आ गया, हम लोग लपेट के भागो भागो भागो, कोई आ गया, तो हम लोग को बड़ा बड़ा ही अच्छे से शेयर करना सीख गया बचपन। इस गरीबी ने हम लोग को कुछ नहीं सिखाया, तो ये सिखाया कि शेयर कैसे करना है, एक छोटी सी। और शेयर करने की ही कड़ी में आपको आगे बताऊँ कि पहले क्या होता था कि ये मिठाई या अमूल चॉकलेट, ये डेयरी मिल्क, ये सब चीज़ें बड़ी स्वप्न की चीज़ होती थी, बड़ी दूर लगती थी। चूंकि ताऊ जी टीचर हुआ करते थे तो कभी कभी, जो कि थोड़े दिन बाद 2-3 साल बाद मेरे फादर भी टीचर बन गए, उनको भी बीएसपी में जॉब लग गई, तो कभी कोई बच्चा आके एक पाव मिठाई दे दिया तो कुल मिला के 4-5 पीस मिठाई घर में आई, तो उसमें से भी एक मिठाई पे 5 बच्चों का हिस्सा लगता था। और जो फादर शेविंग की ब्लेड रखते थे उससे हम लोग निशान लगा लगा के एक मिठाई पे उसको हम लोग काट काट के बांटते थे। कपड़ा, जूते स्कूल के तो मैंने कभी खरीदे ही नहीं, बैग, टिफिन, वाटर बॉटल, ये परंपरा थी घर में कि जब बड़ा छोड़ेगा तो छोटे को मिलेगा, वो छोड़ेगा तो उस छोटे को मिलेगा। तो हम लोग में ये चीज़ें, एक एक ब्रॉटअप की मैं कहानी बता रहा हूँ, जो शुरुआत में क्या एक कनेक्शन होता था और क्या ब्रॉटअप होता था। समय बीतता गया, फादर केमिस्ट्री के टीचर बने, पिताजी ऑलरेडी मैथ्स के टीचर थे, और जब मैं 12वीं तक आया तब तक फादर एक केमिस्ट्री के आईआईटी के बहुत अच्छे टीचर बन चुके थे और शहर में उनकी तूती बोलती थी। मेरे साथ मेरे बच्चे सब, मेरे जो फ्रेंड्स रहते थे, स्टूडेंट्स रहते थे, दोस्त थे, वो सब पापा के पास पढ़ते थे, और ऐसा पढ़ते थे कि आईआईटी उनकी क्लास से 40-40 बच्चों का आईआईटी हर साल लगता था। तो निश्चित ही बड़े भाई भी आईआईटी कर चुके थे, आशु भैया जो हैं, तो मेरे ऊपर भी एक बड़ा ही दबाव था कि भाई एके त्रिपाठी जी का लड़का है, सबको आईआईटी पढ़ाते हैं तो अपने लड़के को भी आईआईटी करा देंगे। पर ये सपना उनका सपना ही रह गया, वो नौबत नहीं आ पाई और आईआईटी में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैंने फिर वहां से बीआईटी कॉलेज को ज्वाइन किया। बीआईटी कॉलेज ज्वाइन किया, घर की स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी थी। बहुत अच्छी इसलिए हो चुकी थी कि पापा ट्यूशन अच्छा चल चुका था, मैंने आपको बताया कि 500-500 बच्चे उनके पास पढ़ते थे, कृष्णा पब्लिक स्कूल की बुनियाद रखी जा चुकी थी, कृष्णा पब्लिक स्कूल में भी उस जमाने में 200-250-400 बच्चे 500 बच्चे हो चुके थे। संघर्ष के दिनों में, सच बताऊं तो जब आदमी के दिन बदलते हैं, तो जैसे कि एक मिर्ज़ा गालिब का शेर है कि जख्म मुझ पर पड़े इतने के आसान हो गए, तो आज वो कष्ट याद भी नहीं है क्योंकि अब वो आसान लगते हैं क्योंकि वो बीत गए। हर नया कष्ट पुराने से इतना कठिन होता था कि नया पुराना वाला आसान लगता था नए के सामने, फिर वो सॉल्व होता था, फिर नया कष्ट आता था। आपसे बताऊं कि
किताब कॉपी ये सब को भी लेके कष्ट होते थे। और ऐसे ही करके इंजीनियरिंग बहुत ही अच्छी तरीके से फर्स्ट डिवीजन से बढ़िया तरीके से पास होके अब मैं अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद को चालू करने वाला हूँ, ये सोचने वाला हूँ कि अब मैं आगे चल के क्या करूँगा। तो मेरे दिमाग में क्लियर था कि मुझे डिफेंस में जाना है। बचपन में मैंने NDA भी दिया, NDA में क्लियर भी हुआ, पर मेरे पाँव की एक उंगली कटी होने के कारण मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं थोड़ा मायूस था। लेकिन जब आगे चल के पता किया तो लोग बोले कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में जब आप जाएंगे तब आपका इतना मेडिकल का सीरियसनेस नहीं है। और मैं CDS का एग्ज़ाम दिया, फाइनल ईयर BE का एग्ज़ाम दिया और अपने दोनों ही रिजल्ट का वेट कर रहा था। तब तक IP मिश्रा सर जो कि सेक्रेटरी हुआ करते थे BIT के, उन्होंने मुझे बुलाया घर, बुला के मेरे जीवन का भी ये मेरा पहला इंटरव्यू कह लीजिए, जो मुझे नहीं पता था कि ये मेरा इंटरव्यू चल रहा है और मैं उसको नहीं समझ पाया कि मेरा इंटरव्यू है। मैं सोचा मिश्रा सर बुलाया है, कुछ काम होगा, मैं भाग के चला गया। उन्होंने अपने घर पे बुलाया सुबह सुबह 8:30 बजे का वक्त था। तो उन्होंने कहा कि अरे त्रिपाठी, तुमको हमने देखा है स्टेज पे, तुम बड़ा नाचते वाचते हो, तो तुम कुछ काम के भी हो कि नहीं? तो मैंने कहा सर काम तो आप बताइए, काम क्या, मतलब ऐसा तो कुछ मैंने अभी अपनी ज़िंदगी में सोचा नहीं है। तो बोले तुम क्या करना चाहते हो? तो मैंने कहा एक ही काम करना चाहता हूँ, डिफेंस, और मैं एग्ज़ाम दिया और रिजल्ट आने वाला है, हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं हुआ तो मैं बड़ा मायूस हो गया, क्योंकि मैं घबरा भी गया उस वक्त, और बहुत मायूस होगा कि अगर मैं देश के काम नहीं आ सका और मेरा डिफेंस में नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी का फिर क्या मकसद है। अभी तक जिस मकसद को मैं पाल के यहाँ तक पहुँचा, ब्रांच सिविल इसलिए लिया, सब कुछ किया, वो नहीं होगा तो मेरे पास इसका कोई सोच भी, मेरे लिए बड़ी डरावनी सोच थी। फिर भी मैंने देखा कि मन में आंसर दिया और सोच के बोला कि सर अगर ये नहीं हुआ तो मैं किसानी करूँगा। तो मिश्रा सर ने कहा ये कौन सी बात होती है कि या तो मैं डिफेंस का काम करूँगा या किसानी करूँगा। एंड बिलीव मी कि जब भी बचपन में बड़े होते होते जब मैं न्यूज़पेपर देखता था, जब देश का तिरंगा देखता था, तो मेरे को बड़ा मतलब रोना आता था कि मतलब इस देश के लिए कुछ करना है मेरे को। वो जज्बा पता नहीं कहाँ से, वो कहानी मैं आज रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि वो क्यों और किस बात पे मेरे अंदर वो जज्बा डेवलप हुआ। लेकिन फिर भी 1942 लव स्टोरी एक मूवी थी जिसका बहुत बड़ा रीज़न था, और मैं क्लास 9th में था जब वो मूवी रिलीज़ हुई, तो उसका ज़रूर एक मैं कह सकता हूँ कि एक पहला झटका जो मेरी लाइफ में था कि नहीं यही करना है, तो वो 9th में मेरे अंदर आ गया था। और जब मिश्रा सर ने पूछा कि नहीं होगा तो मैंने कहा किसान, क्योंकि हम दो ही चीज़ सुनते आए बचपन से, जय जवान और जय किसान, इसके अलावा सर मैं कुछ सुना नहीं और मैं कुछ कर सकता नहीं। तो उन्होंने बड़े ही अच्छे से कहा अरे तूने जय विज्ञान के बारे में नहीं सुना है क्या बेटे? तो मैंने कहा सर जय विज्ञान भी सुना है। तो बोले इसलिए इन दोनों को अभी थोड़ा सा पॉज रखो, जब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं आता है तब तक जय विज्ञान के बारे में सोचते हैं। तो बोला जी सर बताएं। और उन्होंने मुझे एक फाइल दी, बोले देखो हम BSP भिलाई स्टील प्लांट में GM हैं, तो ये फाइल ले लो, ये कॉलेज खुलने वाला है शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से, ये भिलाई की बात है और सर 99 आ चुका है। बोले अगर ये कॉलेज खुल गया तो तुम इसके MD बनोगे। मैंने कहा MD क्या होता है? क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग CEO, MD, फलाना, मैनेजर, ये आजकल के बच्चों के लिए बड़ा फैंसी और यूज टू वर्ड्स है। हम लोग के लिए सब चीज़ें यूज टू वर्ड्स नहीं होती थी, हम लोग के लिए दो ही चीज़ें होती थी, माँ बाप, गुरु, देश। इससे ज़्यादा हम लोग को ना टॉपिक आइडिया होते थे, ना हम लोग को बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलना, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स भी जरूर। बहरहाल यहाँ पे आई कहानी, तो उन्होंने फाइल लेके कहा इसको लेके जाओ दिल्ली, और दिल्ली में इसको अर्जुन सिंह जी से मिलके तुमको ये काम कराना है। तो मैंने कहा ठीक है सर, क्योंकि मिश्रा सर वैसे भी हमारे टीचर रहे, 4 साल हमने उनको देखा, उनसे इंस्पायर हुए। इंस्पायर होने के बाद तो एक लगा कि जब ये बोल रहे हैं तो मैं कर लूँगा, पता नहीं कैसे ईश्वरीय शक्ति आई अंदर। और मैंने कहा ठीक है सर मैं कर लूँगा। फिर मैं फाइल घर ले गया, उसमें कई स्पेलिंग मिस्टेक थी, कई जगह फटाफट में कोई बनाया था, तो मैंने उसको फटाफट ठीक किया। ठीक करने के बाद मिश्रा सर को दिखाया, मिश्रा सर बड़ा खुश हुए, बोले किसके साथ जाओगे तुम दिल्ली? मैंने कहा अकेले जाता हूँ। दिल्ली पहुंचा, अर्जुन सिंह सर पहले दिन तो नहीं मिले, दूसरे दिन भी अर्जुन सिंह सब HRD मिनिस्टर हुआ करते थे, दूसरे दिन भी नहीं मिले,
तो मैं उनके सामने 17 अकबर रोड के सामने जो चबूतरा बना था उस पर मैं सुबह से शाम बैठ जाता था कि गाड़ी आते जाते बस खिड़की पे ऐसे करके सलाम करता था, नमस्ते करता था कि काश देख ले मेरे को और बुला के पूछे क्या है बेटे तुम क्यों खड़े हो। ऐसा मेरे बचपन की एक थी कि किसी के पीछे पड़े रहो तो मिलने देगा। और ये हुआ भी नहीं। तीसरे दिन उन्होंने मुझसे कहा, कांच नीचे की अपने एम्बेसडर का, यूसुफ साहब उनके बगल में बैठे थे, यूसुफ साहब ने मुझे बुलाया, बोले कौन हो तुम, 3 दिन से रोज नमस्ते कर रहे हो, क्या काम है तुम्हारा, क्या खड़े हो यहाँ पे, आओ अंदर। मैंने कहा सर मैं छत्तीसगढ़ से आया और ये मेरे को छोटा सा काम, बोले अच्छा अंदर आओ। फिर मैं अंदर गया, मैंने उनको बताया कि सर ये आईपी मिश्रा सर ने मुझे भेजा है और वो भी रीवा के हैं, आप भी रीवा के हैं और ये उनका काम है, इसको देखिए सर और कुछ कराइए। तो फिर अर्जुन सिंह जी को पता नहीं क्या लगा, उस समय तो इतना डायनेमिज्म होता था मिनिस्ट्रों में भी, इतना डायनेमिज्म कि देन एंड देयर उन्होंने नोटशीट लिखी और नोटशीट लिख के मुझे हाथ में दे दिया कि जाके AICT में दो और देखो। लकीली AICT के जो चेयरमैन थे वहां पे उनके बेटे का भी नाम निशांत था। मैंने अपनी पर्ची दी अंदर, निशांत रख के मुझे 1 सेकंड में बुला लिया गया। मैं जैसे ही अंदर घुसा तो उन्होंने कहा कौन हो आप, तो मैंने कहा सर निशांत मैं कार्ड भेजा था। बोले अच्छा, हम सोचे निशांत आया है, मेरे बेटे का नाम भी निशांत है और तुम्हारे जैसा ही दिखता है। और यहाँ मुझे अपने अंदर की विक्ट्री की फीलिंग अंदर से आने लगी क्योंकि एक इतना बड़ा अधिकारी बहुत ही सरलता से मुझे बुलाया जिस कमरे में। बाहर उस समय ये होता था कि नेताओं के कॉलेज साउथ इंडिया में बहुत होते थे, धोती पहन के बड़े बड़े नेताओं जिनको मैं टीवी में देखता था वो सब वहां बैठे रहते थे। और उसमें जब मुझे 2 मिनट में बुला लिया गया और बाकी सब बाहर बैठे रहे, तब मैं समझ गया कि ये जरूर कोई ना कोई पॉजिटिव वाइब्स आ रही और मैं कामयाब होऊंगा, ये ऐसा अंदर से यूं ही आने लगा। बहरहाल उन्होंने देखा और उन्होंने तुरंत परमिशन दे दिया, बोला ठीक तो लग रहा है आपका लेकिन इंस्पेक्शन होगा। तो मैंने फिर अभी क्या मिलेगा मेरे को, तो उन्होंने कहा अभी मिलेगा आपको लेटर ऑफ इंटेंट LOI। उस जमाने में ईमेल ईमेल कुछ नहीं आया था, फैक्स नया नया लॉन्च हुआ, फैक्स चलने लगा था, अच्छा चलता था फैक्स होता। मैंने मिश्रा सर को फोन लगाया टेलीफोन दिल्ली से, और दिल्ली से फोन लगा के कहा कि सर LOI आ गई है, कोई LOI नाम का पेपर मिला है। तो मिश्रा सर ने कहा नहीं नहीं करा था, झूठ है, LOI कैसे मिलेगा तुमको इतना जल्दी, अभी तो तुम एक फॉर्म जमा करने गए थे। मैं नहीं सर, वो अर्जुन सिंह से आप मुझे मिले, उनसे मिला, उनको कन्विंस किया, वो एक जगह भेजे यादव सर के पास, उन्होंने मेरे को ये लेटर दिया। बोले लेटर दिया है, मैंने कहा हाँ। बोले फैक्स कर तुरंत, और जैसे ही मैं फैक्स किया वो फैक्स रिसीव किए, मुझे फोन दोबारा उसी STDPCO पे किए और फोन करके बोले तू कभी फ्लाइट में बैठा है, मैंने कहा नहीं। तो बोले तेरे पास वही खड़े रहे, तेरे पास टिकट आ रही है शाम की फ्लाइट से, तू वापस दिला जा। पेपर दिया, मिश्रा सर मेरा माथा चूम लिए, गले लगा के रोने लगे। मैं कुछ समझ नहीं पाया क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में और समय निकल रहा है धीरे धीरे, तो मेरे को नहीं लगा कि कौन सी बहुत बड़ी चीज हम ला दी है। आज लगता है लेकिन उस समय मेरे को बिल्कुल एहसास नहीं हो पाया था कि कोई मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, मेरे को बस एक गट फीलिंग पे मेरा काम चल रहा था। बस अच्छाई एक थी कि बहुत ही मासूमियत थी। और आज के नौजवानों को अगर मैं कुछ बताना चाहता हूँ और कुछ सिखाना भी अगर मैं चाहूंगा तो मैं 2 चीज सिखाऊंगा, एक अपने अंदर के इनोसेंस को मत मरने दो और दूसरा बदतमीजी और बड़ों का लिहाज करें, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे किसी से भी मिलेंगे छोटा काम भी करेंगे तो सामने बैठा वाला आदमी एक बड़ा ही आदमी उम्र का मिलेगा आपसे, वो आपको सपोर्ट क्यों करेगा, वो तभी करेगा जब आप लगेगा कि नहीं अच्छा लगा है, वो एटीट्यूड आपको बड़ों के प्रति शो करना पड़ेगा और ये थोड़ा बहुत आज की जनरेशन में लैक भी होता है। ये एज मेरे को बहुत ही मतलब मेरे अंदर बहुत ही अच्छा था कि वो इमोशनल मासूमियत और बड़ों की इज्जत करना, और यही 3 काम मेरा काम कर रहे। कोई मैंने बहुत मेहनत किया, हाँ मेहनत ये था कि सुबह से शाम तक बोर नहीं होता था, उत्साह अंदर इतना रहता था कि कंकड़ से कंकड़ मार के भी मैं पूरी शाम तक इंतजार करता था कि अर्जुन सिंह की सिर्फ गाड़ी को हाई करने के लिए। और तीसरे दिन, अब इसको मेहनत नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कि एक मासूमियत और एक लगाव काम करने का, तो वही मेरे काम आया कायदे से उस इस पर्टिकुलर जोन में। मिश्रा सर बुलाए, कॉलेज खुला, मिश्रा सर BSP से फिर बाद में रिटायर होकर कॉलेज भी आए, मैं पहले ही ज्वाइन कर लिया। अब मेरे दिमाग से जय जवान जय किसान पूरी तरह से हट चुका था और जय विज्ञान मेरे दिमाग में घर कर चुका था। लेकिन चूंकि एक
एक डिफेंस में जाना है, एक देश के लिए काम करना है, वो एक जो फीलिंग बार 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 परेशान करती थी, तो वो सेटिस्फाई होने लगी जब मेरे बच्चों का रिजल्ट आने लगा। बच्चों को हम जो जो संस्कार देते थे, जो जो टीचिंग करते थे, वो कामयाब होने लगी। फिर धीरे धीरे अपने आप को देखने लगे कि कायदे से मैं अगर गौर बच्चों को पास कर रहा हैं और उनको देश हित में अगर वो योगदान कर रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं देश सेवा भी है। और मैं अपने आप को मन में सेटिस्फाई कर लिया कि यही जॉब, अब यही फाइनल है। बहरहाल समय बीतता गया, धीरे धीरे 99 का कॉलेज खुला, 2006 में आ चुका, 2007 तक आ चुका, और वहाँ पे मैं अलग 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 उसमें कभी शुरुआत में वार्डन, फिर एक सिविल का टीचर, फिर एडमिशन इंचार्ज, फिर उसके बाद ऐसी कोई पोस्ट नहीं होती थी जिसको जिसका पहला आदमी मैं नहीं होता था। निशान जी, शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज जो रायपुर में आपने स्थापित किया है, इसकी स्थापना के समय का आपका अनुभव कैसा रहा है? उसमें पर्याप्त संसाधन थे या नहीं थे? महाराज जी, जो शंकराचार्य जी हैं, स्वरूपा स्वरूपानंद सरस्वती महाराज जी, वो रायपुर में रमन सिंह जी सीएम थे, बन चुके थे 2007 में तब, वो उनके घर पे 24 अप्रैल को महाराज जी आए और उनसे मिलने मैं और मिश्रा सर भी गए। जब मिलने लगे महाराज जी से, तो महाराज जी से कभी हमारी बात करने की हिम्मत नहीं थी। खुद सीएम साहब भी महाराज जी से नपी तुली बात करते थे, तो वो सब देख के हमको भी और डर लगता, तो हम लोग कुछ बोलते नहीं थे, बस बैठे रहते थे सामने हाथ जोड़ के। पता नहीं उन्होंने क्या देखा, मुझे बुलाया, मैं पास गया, बोले तुम्हारा रायपुर का कॉलेज कैसा चल रहा है? तब मैंने कहा कि नहीं, रायपुर में तो कोई कॉलेज नहीं है महाराज जी। तो महाराज जी कुछ बोले नहीं, बोले ठीक, और ऐसे करके मेरे को झटका दिए। लेकिन जब वो झटकाए और मैं गाड़ी में बैठा और वापस होने लगा, तब एक सेकेंड टाइम और लाइफ में जो मेरे अंदर जो चला, वो अनुभूति सिर्फ मैं उसको बयान नहीं कर सकता, वो मेरे अंदर चल रही थी। वो मेरा दिल, मेरे दिमाग, मेरे होश, मेरे हर चीज़ पे इतना ज़्यादा हावी हो चुका था कि मैं आपको उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मैं और जितने भी एक समाज का दायरा था, उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगा था कि लोग मुझे या तो मेरे पिताजी के नाम से जानते हैं और या फिर मेरे को आईपी मिश्रा सर के नाम से जानते हैं। ये बात जरूर बीच में मैंने बताना काट दिया कि यही आईपी मिश्रा सर जो मुझे मीटिंग के लिए बुलाए थे, आने वाले 2 सालों में मेरे ससुर भी बन गए। ये एक बहुत ही गजब का, मतलब मेरी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट रहा। मुझे एक अच्छा फ्रेंड मिला, एक लाइफ टाइम फ्रेंड मिला, जिससे मैं अपने सुख दुख सब डिस्कस कर सकता। बहुत बढ़िया। और जिसने मेरे को मोटिवेट किया। अगेन कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, तो फिर मैंने बोला कि नहीं, अब रायपुर में काम चालू करना चाहिए। लेकिन तब भी ऐसा नहीं था कि पैसे बहुत होते थे, पैसे हमेशा कम ही रहते थे। शंकराचार्य भिलाई खुद बहुत छोटा कॉलेज, नया नया था, तो फिर ये डिसाइड हुआ कि बनेगा कैसे। फिर मैं महाराज जी के पास गया, महाराज जी से कहा, महाराज जी कैसे किया जाएगा, आप तो बोल दिए पर पैसे तो है नहीं। महाराज जी ने कहा मैं दिसंबर में आके शिलान्यास करूंगा। तब मैं आप लोग से बताऊं कि शिलान्यास मतलब जमीन तो है नहीं, तो शिलान्यास कैसे करेंगे 6 महीने में आके। लेकिन फिर भी मैं ज्यादा बात नहीं किया, लौट के वापस चला आया। और चमत्कार यहां पे देखिए, अभी तक मैं जो अपनी पहलू बता रहा था, चमत्कार का पहलू यहां आता है कि ईश्वर अगर आपसे पिघल गया, अगर आपने भगवान के सामने देखी, उसके सीसीटीवी कैमरा तो चारों तरफ है, अगर भगवान को आपने सेटिस्फाई कर दिया या उसके दिल में थोड़ी जगह बना ली, तो साक्षात प्रकट होता है। और यही हुआ उस दिन। मैं आके बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मिश्रा जी से मिला, जो उस समय AGM हुआ करते थे, और कहा कि सर कुछ हम लोग के पास तो है नहीं, जमीन खरीदना है। कॉलेज बन जाता तब जब जमीन खरीदने के वो होते कि भाई ठीक है, जमीन के पेपर को बैंक में दे दिए तो लोन मिल गया बिल्डिंग बनाने के लिए, लेकिन जमीन खरीदने का लोन कौन देगा? तब उस समय फिर उन्होंने कहा कि कैसे लोन दूं मैं, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, और रायपुर में उस समय जमीन प्लॉट लेना भी मेरे स्वप्न की बात थी। 2400 का प्लॉट ले सके, ये भी स्वप्न के लिए, स्वप्न से बहुत दूर की चीज हुआ करती थी। और उस जगह पे जाके कॉलेज का निर्माण करना, सोचना, एक बचपना ही आज लग रहा है, तब वो पता नहीं क्या दैविक शक्ति थी, पर आज तो बड़ा बचपना लग रहा है सोच के, कि आज वो हिम्मत नहीं है जो उस जमाने में होती थी। तो फिर बैंक मैनेजर जो मिश्रा जी थे, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी। उन्होंने कहा निशांत, तुमको जमीन खरीदने का लोन तभी मिल सकता है जब मॉर्टगेज करने के लिए मुझे कुछ जमीन के कागजात दो।
और यही देखिए परिवार काम आता है, यही आपके जो संचित जो आपने रिलेशंस लोगों से बनाए हैं। आज की डेट में क्या होता है, आदमी फास्ट फूड मैकडोनल्ड ये सब का हो गया, उठाए खाए चल दिए, और यही वो रिलेशन में भी करता है। आज आपसे काम है, रिलेशन निभाता है, दो दिन बाद आपको भूल के चल देता है। बट जो लोग लंबा रिलेशन रखते हैं उसके लोग बोलते हैं ना कि इसका क्या फ़ायदा है, क्या ज़रूरत है सबसे रिलेशन बनाने की, क्या ज़रूरत है सबके लिए करने की। ज़रूरत है वो कैसे कि जैसा कि बचपन में आपन पढ़ते थे कि रहीमन इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। और यही होता है कि आप सबसे मिलिए अच्छे से, ना जाने कौन नारायण मिल जाए। और जो बचपन के संस्कार थे और व्यवहार थे लोगों से बड़ों से, आप मानिए कि ज्वाइंट फैमिली में अब मेरे चाचा, मेरे ताऊ, आई पी मिश्रा सर, उनके भाई, मेरे भाई, मैंने इन सबकी जमीन रख और सबने दे दी। उस जमाने में देखिए क्या दिन होते थे, क्या लोगों को एक दूसरे पे फेथ होता था और क्या परिवार की शक्ति होती थी कि तन्मय भाई लोगों ने मतलब सब किया। और मिश्रा सर ने बोला कि जो भी बच गया उसकी चिंता तुम मत करो, मिश्रा से मेरी बात करा देना बस। फिर मैं बैंक मैनेजर मिश्रा जी से बोला, सर इतना सब काम हो गया अब क्या करें, तो आप आई पी मिश्रा सर से बात कर लीजिए। और मिश्रा सर ने वहाँ कहा कि आप भी मिश्रा, मैं भी मिश्रा, वो लड़का नया नया मेरा काम करना चाहता है, उसको लोन दीजिए, उसके पीछे हम खड़े हैं। तो बोला अरे मिश्रा जी ये तो बड़ा ही खूब सारे पेपर आ गए। बहरहाल मिश्रा जी ने काम किया, बैंक वालों ने उन्हें लोन दिया, पूरी की पूरी जमीन लोन से खरीदी। उस जमाने में 25 लाख रुपये एकड़ में 20 एकड़ जमीन है। और आप लोग को ये सोचने में आश्चर्य होगा कि उसका भी पूरा पैसा देके रजिस्ट्री नहीं कराया, जो जमीन का मालिक था उसके जाके हाथ जोड़े, उसको पूरी स्थिति बताई कि ये मैं हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मैं करना चाहता हूँ, इतना मैं कर लिया हूँ, इतना मेरे को आपको सपोर्ट चाहिए। और आपको आश्चर्य होगा मैं आज उस आदमी का नाम लेके मैं उसे फंसाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं उसका नाम लूँगा तो उसके पास 100 लोग चले जाएंगे कि जमीन दे दो। पर उस आदमी ने ये किया कि जब कॉलेज चलने लगेगा तो आप धीरे धीरे मुझे पटा दीजिएगा। और 3.25 करोड़ रुपए उस जमाने में लोन मिले। तो कुछ से जमीन खरीदाई, छोटी सी बिल्डिंग बनी, और दिसंबर में महाराज जी आ गए और शिलान्यास कर दिए। अब 2007 में शिलान्यास में सिर्फ जमीन हुई थी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं अप्रैल में आऊंगा और उद्घाटन करूंगा। अब यहां से कहानी असली चालू, असली कहानी यहां से ये चालू होती है कि कैसे 4 महीने में 60,000 स्क्वायर फीट को कंस्ट्रक्ट कर लिया जाएगा, कैसे महाराज जी का इंस्पेक्शन हो पाएगा। और उस जमाने में कंस्ट्रक्शन अपने शबाब पे था, आप कहीं हिस्ट्री देखिए चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहे थे, लेबर मिलना मुश्किल होता था। और हम सेज बहार में खुले थे जो कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के जस्ट 2 किलोमीटर आगे रोड पे। तो उड़ीसा से लेबर बनाए, बिहार के लेबर मंगाए और छत्तीसगढ़ के 3 लेबरों का कॉम्बिनेशन रखे। और फिर मैं क्या करता था कि एक एक्सपेंशन जॉइंट पे दिन भर वो लोग काम करते थे उड़ीसा की पार्टी, दूसरे एक्सपेंशन जॉइंट्स पे छत्तीसगढ़ की पार्टी काम करती थी, और जितना एरिया ड्रेसिंग और फाउंडेशन की ये सब गोदी के लेबर होते थे वो बिहार बिहार के होते। और 3 पार्टी लेके हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन चालू किया, कॉलेज बना। अप्रैल में महाराज जी आए, महाराज जी के समय आने तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था लेकिन फिर भी बहुत हो गया था, उसका उद्घाटन हुआ। मई में AICT का इंस्पेक्शन हुआ, जून में कॉलेज की परमिशन आई। निशान जी, शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज जो रायपुर में आपने स्थापित किया है, इसकी स्थापना के समय का आपका अनुभव कैसा रहा है, उसमें पर्याप्त संसाधन थे या नहीं थे? हम लोग ने कॉलेज चालू किया, संघर्षों की बात तो मैं बता नहीं सकता, मैंने कहा ना कि जब आदमी धीरे धीरे आगे आने लगता है तो पीछे के संघर्ष अपने आप छोटे लगने लगते हैं, उसको लगता है वो तो कुछ था ही नहीं। और जैसे आज के बच्चे हैं कि अमोल माचो की बनियान पहन के बड़े आराम से, तो आज वैसे ही फील लगता है कि बस बनियान पहनना बड़े आराम से, बाकी सब हो गया हो, बट ऐसा है नहीं। सारे दोस्त इकट्ठे हुए, हम लोगों ने काम किया, काम करने के बाद पहले साल यूनिवर्सिटी में रिजल्ट आया हम लोग का 2 नंबर, और हम छा गए, अरे क्या हो गया। हम लोग अंदर से हम लोग के उत्साह का ठिकाना नहीं था
लेकिन कंप्लेंट में ये आया कि नकल हुई है इस बारे में। नकल होने के लिए मेरे को वाइस चांसलर ने हम लोग को पहले ही साल हमारी रद्द कर दी कि अब एग्जाम आप लोग को दूसरे कॉलेज में जाके देना पड़ेगा। एक नए एंटरप्रेनर के लिए पहला रिजल्ट उत्साहित ईमानदारी का मेहनत का आया हुआ पे ये हो जाने से मुझे लगा कि अब हम खत्म हैं, क्योंकि जो पब्लिक में इमेज है वो डाउन हो गई कि यहाँ नकल होती है। तो मैंने कहा उस समय जो रजिस्ट्रार थे भगवंत सिंह जी, उनसे मैंने कहा कि सर अगर ऐसा मेरे साथ हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा उगने के पहले, और अभी लोन तमाम चढ़ा हुआ है, लोगों के कागजात मेरे भरोसे दूसरों के यहाँ पड़े हुए हैं, सब निकालवाना है, और ये मेरे साथ हो जाएगा तो मैं स्टैंड ही नहीं कर पाऊंगा। और भगवंत सिंह सर ने बड़ा बजब का काम किया, उन्होंने सारे कॉलेज का सेंटर चेंज कर दिया। बोले ठीक है, सही बोल रहे। मैंने अभी आपको मेरे ऊपर शक है, शक के बिना पे आप मेरे धंधे को मत खराब कर दीजिए। मेरी जो आग है, फायर है, जो सारी आशाएं बचपन की ले कि मैं यहाँ पे आया था, वो सब खत्म हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं सबका चेंज कर देता हूँ। ठीक है सर, कर दीजिए बिल्कुल, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और जिस दिन से सबका सेंटर चेंज होने लगा उस दिन से हम नंबर वन रिजल्ट। फिर प्लेसमेंट आया, फिर तो सब काम होने लगा, शहर में लोगों को एक ऑप्शन दिखने लगा कि नहीं साहब ऐसा नहीं है कि सब चीज़ भिलाई में है, रायपुर में भी शंकराचार्य कॉलेज आ चुका है। धीरे 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 शंकराचार्य का नाम हुआ। प्लेसमेंट पहला साल आया, पहले साल ही विप्रो ने 50 बच्चों को ले गए। और जब ये हुआ फिर पलट के हम लोग। जब आपने संस्थान की शुरुआत की थी तब कितने स्टूडेंट थे और वर्तमान में कितने स्टूडेंट जो हैं पढ़ाई कर रहे हैं? 2008 में जब चालू हुआ तो हम लोगों ने 240 बच्चों से स्टार्ट किया। तब हमारे ऊपर लोन होता था 3 करोड़ रुपए का, 3.25 करोड़ रुपए के लोन से स्टार्ट किया था लाइफ। और धीरे धीरे लोन पटता भी गया, चीज़ें आगे बढ़ती भी गई, बच्चे भी बढ़ते गए। और वर्तमान में अगर मैं टोटल एसेट देखूँ शंकराचार्य रायपुर का, तो वो लगभग आज 80 करोड़ के आसपास टच कर गया होगा। लोन न जाने कितने पटा दिए, कितने कर दिए, अभी भी लेकिन 1.5 करोड़ का लोन बचा है जो अगले साल ख़त्म हो जाएगा। और आज की डेट में हमारे पास वर्तमान में जो पढ़ रहे हैं वो 2500 से 2600 बच्चे हैं, और कम से कम नहीं कुछ तो 8 से 9 हज़ार बच्चे पास आउट हो चुके। निशान जी, आखिरी में आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि स्टोरिस्तान किससे कामयाबी के बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत ही अच्छा लगा स्टोरिस्तान के बारे में कॉन्सेप्ट जान के। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कई बार क्या होता है, जैसे कि हम लोग जब बच्चे मोटिवेट, देखिए हम लोग का पूरा जो ये स्टोरिस्तान का भी जो बेस है वो ये है कि युवा मोटिवेट हो। अब युवा को आप महात्मा गांधी और ये सब चीज़ों को बात कर रहे हैं ना, तो वो क्या हो जा रहा है कि वो इतिहास हो जा रहा है, वो देखे नहीं है, वो लिंक नहीं कर रहे हैं उसको। तो ये शुरुआत जो स्टोरिस्तान की है, इससे क्या होगा, जो आज का युवा है जो कि चीज़ों को करना चाहता है, उसको ये चीज़ का कॉन्फिडेंस हो जाएगा कम से कम कि यस आसानी से छोटे से भी काम चालू होता है, और सामने का आदमी इसी शहर का इसी स्टेट का कर लेता है तो मैं भी कर सकता हूँ, ये उसको इमेंस मोटिवेशन मिलेगा इस बात से। निशान जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने पूरी जर्नी हमसे शेयर की। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे निशान त्रिपाठी जी को, 2 कमरे के मकान में 24 लोग रहा करते थे, और आज निशान त्रिपाठी जी के संस्थान की जो कीमत है वो तकरीबन 80 करोड़ रुपए है, तकरीबन 20 एकड़ में उनका संस्थान फैला हुआ है, और जो टर्नओवर है वो लगभग 20 करोड़ रुपए है। उम्मीद करते हैं निशान जी की कहानी आपको मोटिवेट करेगी, और अगर उनकी कहानी वाकई आपको पसंद आती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।